स्वागत है दोस्तों आपका अनंत के गार्डन में। आज मेरे खूब सारे फूल खिले थे तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। ये देखिए दोस्तों, ये हैं एडेनियम के फूल, कितने सारे खिले हैं। देखिए, तीन इधर हैं, ये तीन ही इधर हैं, और इसमें भी ये दो हैं, तीसरा खिलने वाला अभी, और इसमें भी ये देखिए दोस्तों, कितनी सारी डोडियां हैं इसमें। बर्ड्स भी देखिए, ये देखिए, ये सब खिलने वाली हैं। ये देखिए अब ये दूसरा प्लांट देखिए, ये देखिए दोस्तों कितना बंच है। ये देखिए और ये देखिए दोस्तों, जब ये फ्लावर खिलता ही है तो इसमें इसका कलर काफ़ी डार्क होता है, ये फिर थोड़ा थोड़ा हल्का होना शुरू हो जाता है। ये इसी तरह 15-20 दिन ये फ्लावर्स खिले रहते हैं। ये भी देखिए कितनी सारी बर्ड्स हैं इसके ऊपर। ये देखिए, और ये भी सब खिलने वाली हैं अभी ये बर्ड्स। ये देखिए, और दिखाती हूँ दोस्तों आपको, और मेरे गार्डन में कुछ ये लिली के फ्लावर्स भी खिले हैं। और एक ये बड है अभी, जो अभी खिलेगी। और ये कुछ है हिबिस्कस के खिले हुए फूल। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर कितने बर्ड्स हैं। ये देखिए, दो इधर हैं, ये इसमें तीन इधर हैं, और ये भी हैं, और ये देखिए कितना सुंदर फूल है। और ये तो खिल चुका है, और ये देखिए कुछ कलर के फ्लावर्स भी अभी खिले हुए हैं। ये देखिए, इनके जो खिल चुके फूल हैं उनको इसी तरह साथ साथ अगर निकालते रहेंगे तो और इसमें खिलते रहेंगे। इसी तरह इनको पिंच करते रहिए। ये देखिए इसमें, ये देखिए दोस्तों, इसमें दो तीन कलर के फूल खिले हैं। ये पीच है, ये पिंक है, और ये वाइट है। और ये देखिए, ये जो खिल चुका है उसको, ये देखिए ये जो नया खिला है वो कितना सुंदर है। आशा करती हूँ आपने भी मेरे खिले हुए फूलों का आनंद लिया होगा। थैंक यू।